गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज लवन मंडल एंड बैक अगेन टू अनदर वीडियो। सो गाइस, बहुत दिनों से इंस्टाग्राम में मैसेज आ रहे थे कि भाई आप डाइट की वीडियो नहीं बना रहे, तो गाइस आज मैं लेके आ गया हूं कुछ चीप डाइट की वीडियो, ठीक है, मतलब चीप बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मतलब कम पैसे में जो मिलते हैं। सो गाइस, बोल दूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो गाइस मेरा भी उतना बजट नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फूड अफोर्ड कर पाऊँ। तो गाइस, ये एक बजट फ्रेंडली फूड होने वाला है एक टाइप से स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें एंड वीडियो स्किप। फर्स्ट चीज़ से स्टार्ट करते हैं जो कि है भाई सोया चंक्स, दिख गया आपको, एक मिनट थोड़ा सा देख लो भाई। एंड सो गाइस, इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ आपको, सॉरी प्राइस बोलता हूँ, पहले मैं इसके प्रोटीन रेशियो की बात करूँ, तो भाई इसको आपको 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि बहुत मतलब सही रेशियो है प्रोटीन के हिसाब से, मतलब 100 ग्राम के हिसाब से भाई 100 ग्राम में आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि बहुत सही रेशियो है। एंड इसका प्राइस भी बहुत चीप है गाइस, मैं बोल दूँ इसको आपको मिनिमम, मैंने तो भाई ये 1 kg का पैकेट लिया था, सॉरी 1 kg का, हाँ 1 kg का पैकेट लिया था, तो मुझको सस्ता पड़ा था मिनिमम भाई 110-120 के अराउंड। और आपको अगर लोकल शॉप से ख़रीदना है तो भाई आपको 10 रुपये में, हाँ भाई, आपको 15 ग्राम का एक पैकेट मिल जाएगा, जिसमें अप्रॉक्स 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसमें भाई कार्ब्स भी सही है भाई, एक मिनट, कार्ब्स कितना मिनिमम। एंड गाइस, इसके अंदर आपको 100 ग्राम में 350 कैलोरीज मिल जाती है, जो कि बहुत सही रेशियो है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो भाई इसमें, एक मिनट, कितने हैं, 37 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है भाई 100 ग्राम में, जो कि आपको बहुत एक अच्छी एनर्जी दे सकते हैं। इसको आप मतलब जिम के आने के बाद भी ले सकते हो पोस्ट वर्कआउट में, जैसे कि मैं लेता हूँ जिम के आने के बाद भाई पोस्ट वर्कआउट में, जैसे सोयाबीन एंड राइस लेता हूँ भाई। एंड गाइस, इसके अगर मैं मतलब फैट्स की बात करूँ तो भाई फैट्स बहुत कम है, ठीक है। एंड ये आपको मतलब एक अच्छी प्रोटीन देगा भाई आपको, मतलब इसका भाई चीप, मतलब प्राइस बहुत चीप है, तो भाई इसको आप अपनी डाइट में ऐड ज़रूर करना। सो गाइस, बढ़ते अपनी सेकंड एक तरफ, लेके भाई हमारा ओट्स, ठीक है, ओट्स या दलिया। तो गाइस, सेकंड फूड है हमारा ओट्स या फिर दलिया, जो भी बोल सकते हो, ओट्स भी ले सकते हो, दलिया भी ले सकते हो। ओट्स का ये है कि ओट्स थोड़ा जल्दी बन जाता है, 2-5 मिनट में बन जाएगा। एंड दलिया को बनने में मिनिमम वही 10-15 मिनट लगता भाई, बाकी कोई मेजर इशू नहीं है भाई, मतलब मेजर टाइम का कोई इशू नहीं है। टेस्ट आपके ऊपर है भाई, कौन सा लेना चाहते हो। मुझको भाई दोनों का टेस्ट पसंद है, मैं जैसे दलिया खा रहा था पर मैंने ओट्स ट्राई किया भाई अभी। तो भाई, इसके आपको 40 ग्राम्स में आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि बहुत सही है भाई। सो गाइस, ये पैकेट मुझको कितना 70 से 80 का पड़ा है भाई, ठीक है। एंड ये केलॉग्स का है, केलॉग्स क्विकर आप कोई भी कंपनी ले सकते हो भाई, ठीक है। एंड इसके अंदर 40 ग्राम में आपको मिलता है 4.5 ग्राम प्रोटीन, एंड इसके 100 ग्राम में मिलता है भाई 12 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, मतलब 11.6, उसको मैंने अप्रॉक्स 12 ग्राम पकड़ा, ठीक है। एंड इसमें कैलोरीज भी बहुत सारे हाई है भाई, 380 कैलोरीज मिनिमम, 400 कैलोरीज का अप्रॉक्स मिलता है भाई, ठीक है। एंड ये भी एक अच्छा कार्ब सोर्स है भाई, इसको मतलब जिम जाने से पहले खा के जा सकते हो। एंड ये आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, एंड भाई इसको आप इवनिंग में भी खा सकते हो, मतलब बहुत एक अच्छी चीज़ है भाई, ठीक है। एंड बस यही, एंड इसका भाई प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मिनिमम 120 लिखा है भाई, तो मिनिमम आपको ये 100 रुपये मिल जाएगा, सॉरी 70 रुपये मिल जाएगा। सो क्या, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रोडक्ट की ओर, जो कि है भाई पीनट्स। मैंने यहाँ पर रखा, देख लो भाई, ये देखो नट्स, मतलब मूँगफली जिसको कहते हैं भाई, ये आपको मिनिमम कितना रुपए का मिलता है, आपको मिनिमम वो 110-120 के अराउंड मिल जाएगा केजी। तो भाई अगर आप इसको मतलब रात को भिगो के खाते हो तो इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है, जैसे 100 ग्राम में 30 ग्राम्स तक प्रोटीन मिल जाता है भाई, जो कि एक बहुत सही नंबर है। इसमें भाई हेल्दी फैट्स रहते हैं, ठीक है, जो आपको टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, एंड हेल्दी फैट्स भी बहुत ज़रूरी होता है भाई, ठीक है। तो इसको अपने मतलब डाइट में ज़रूर ऐड करना भाई, ठीक है। एंड इसका अगर मैं इसको कैसे कंज्यूम करता बोल देता हूँ, मैं जैसे सुबह, सॉरी मतलब रात को, मतलब एक दो मुट्ठी भाई इसको भिगो देता हूँ पानी के अंदर, एंड सुबह उठ के खाता हूँ भाई। एंड और क्या था भाई, एंड अब बात आती है सबसे चीपेस्ट बॉडी बिल्डिंग फूड, जो कि है भाई एग्स, ठीक है, देख सकते हो भाई। इसमें मैं एक ट्रे खरीद के लेकर आता हूँ भाई, इसमें थोड़ा
सस्ता पड़ता है भाई, अभी 150 से 60 रुपये का मिल रहा है एक ट्रे, तो आप ले सकते हो भाई। एक अंडे के अंदर आपको मिलता है भाई 6 ग्राम प्रोटीन, वो भी हाई क्वालिटी प्रोटीन है, वो भी 6 अमीनो एसिड के साथ, ठीक है। 6 अमीनो एसिड मतलब आपकी मतलब पूरी बॉडी को इफेक्ट मतलब रिकवर करेगा भाई एक्सरसाइज के बाद। तो आप इसको एक्सरसाइज के बाद भी ले सकते हो, या आप ये एक आप किसी भी टाइम में ले सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। और दिन के आप 2 से 3 एग ज़रूर खा सकते हो भाई, ठीक है। इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना, ठीक है। एग, सोयाबीन, ये सब भाई बहुत कॉस्ट फ्रेंडली फूड है एंड बहुत मतलब की पे बॉडी बिल्डिंग फूड है भाई। सो गाइस, कम पैसे में मिनिमम बॉडी अच्छी बन सकती है। सो गाइस, मैं आपका इस पूरे का अगर मतलब कैलकुलेट करूँ प्राइस, तो इसका सोयाबीन का अगर मैं 1 kg का, मैं इसका 1 kg का पैकेट के हिसाब से पकड़ता हूँ, ठीक है। तो इसका 1 kg का पैकेट मुझको मिनिमम कितना 15 दिन, हाँ 15 से 1 महीने का चल जाता है, जो कि होता है मिनिमम 100 रुपये का। तो इसका 200 रुपया मतलब 2 पैकेट चल जाता है मुझको 1 महीना, 200 रुपया। एंड ये एग्स की बात करूँ तो भाई इसका मुझको मतलब अगर मैं 2 अंडे रेगुलर खा रहा हूँ तो मिनिमम 30 अंडे जो कि हो गए मेरे, रुको भाई भूल गया यार कितने हो रहे भाई, हो रहे हैं 300 रुपये भाई, ठीक है। 2 अगर एक सौ लोगे तो 300 रुपये हो जाएंगे, 300 और 200 500 अप्रॉक्स, ठीक है। और इसका मैं 100 रुपये पकड़ रहा हूँ, इसको हो गया भाई 400 400। एंड इसका भाई 100 110 20 चल रहा है, तो भाई उसके हिसाब से 500। एंड अगर मैं 10 20 रुपये आपके मतलब कंट्री में ज़्यादा या कम हो सकता है, आपके वहाँ पे 10 रुपये ज़्यादा या 10 रुपये कम भी हो सकता है, ठीक है। या मैनेज कर लेना कितना होता है नहीं होता। एंड एक मिनट, तो सब मिलाकर हो गया भाई 500। एंड ज़्यादा भी हो भाई तो 550 के अंदर हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रोडक्ट्स और एक बार दिखाया जाता, ठीक है। सो गाइस, सबसे सस्ता एंड अच्छा प्रोटीन फूड सोयाबीन, ठीक है। ये ओट्स गुड कार्ब्स के लिए, ठीक है। पीनट्स फॉर गुड प्रोटीन एंड गुड फैट्स। एंड एग्स फॉर गुड प्रोटीन एंड गुड फैट्स। किस हाथ का वैसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो गाइस, अगर आप भी एक स्टूडेंट हो एंड बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहते हो या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो भाई ये सब फूड आपको ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। एक अच्छी बॉडी आप बना सकते हो कम पैसे में, ठीक है। एंड बस यही थी। सो गाइस, अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ क्या करना है, एक लाइक। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है दबाओ। एंड वो जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन करो, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। एंड अगर वीडियो चैनल पर नहीं हो जाकर सब्सक्राइब करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उस दोस्त को, शेयर करना जिस वीडियो मैंने जिसको इस वीडियो की नीड हो। एंड सो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। एंड अगर वीडियो चैनल पर नहीं हो जाकर सब्सक्राइब करो। एंड तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।